हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन की वजह से कहां कहां पे आपको चीजें देखने को मिलती हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। पहले देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर पहली चीज, अ स्टिक हैड ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज इन वॉटर अपियर्स टू बी बेंड एट द वॉटर सर्फेस। आपने देखा होगा कि कभी ग्लास में आप पेंसिल वगैरह डाल दो तो ऐसे टूटी हुई नजर आती है, ऐसा लगेगा टूट गई है, ब्रेक हो गई है बीच में से, ठीक है। ऐसा किसकी वजह से हो पा रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी इसको डिटेल में करेंगे। सेकंड, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वॉटर अपीयर्स टू बी रेज। कभी आप लोग स्विमिंग पूल वगैरह में गए हो नहाने के लिए, जब आप नीचे देखते हो तो उसका बॉटम जो ऊपर दिखाई देगा, या फिर ग्लास में आप क्या करो एक कॉइन डाल दो, कॉइन डालोगे तो आपको देखेगा कॉइन जो है वो काफी ऊपर नजर आ रही है। ये भी किसकी वजह से नजर आता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। इसके बाद, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। तो कभी भी स्विमिंग पूल में जाके ऐसे जंप मत कर देना। मेरे साथ हो गया था एक बार, मैं गया, मैंने देखा ये तो मैं डूबूंगा ही नहीं इसमें, मैं कूद गया, अब ना मुझे जमीन मिल रही ना आसमान मिल रहा, बीच में फंस गया, तो गहरा बहुत ज्यादा था वो, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी मत करना आप लोग, जबकि मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, देखो कितनी बड़ी गलती, मैं ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। उस टाइम तो नहाने का जोश में था, फिजिक्स का माइंड में चल रही थी, मैं कूद गया भाई। इधर देखो जरा, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। मतलब आप पेपर लीजिए और उसके ऊपर क्या कीजिए, एक ग्लास स्लैब रख दीजिए शीशे के, और ऊपर देखोगे तो लेटर्स जो है ऊपर नजर आएंगे आपको लिखे हुए। ऐसा किसकी वजह से हो पा रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अ लेमन कैप्ड इन द वॉटर, ये देखा ही होगा ग्लास में आप डाल दो तो लेमन बढ़ जाता है, बड़ा नजर आता है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। इनमें से कुछ टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट, या नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे भी, ट्विंकलिंग भी किसकी वजह से नजर आती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, देखिए जरा हमें करना क्या है। अ स्टिक पार्शियली इमर्ज्ड इन वॉटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द वॉटर सरफेस। ये मैंने क्या किया, एक ग्लास ले लिया जिसमें वॉटर है, ठीक है, और इसके अंदर डाल दी मैंने पेंसिल, ठीक है, पेंसिल मैंने डाली, और ये जो पॉइंट है यहां से टू रेज निकलेंगी, मान लीजिए एक ये निकली और दूसरी ये। अब आप बोलोगे सर इधर भी तो जा सकती है, इधर भी तो जा सकती है, हाँ जी बिल्कुल जा सकती है, आपका जहां मन करे ले लीजिए, बट मुझे टू रेज चाहिए अगर मैं इमेज बनाना चाहता हूं तो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जब ये यहां पे जाएगा तो देखो ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या होगी, भागेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहां पर भी क्या होगा, लाइट जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी, जाना तो इसको स्ट्रेट ऐसे चाहिए था बट ये बेंड हो जाएगी। तो अगर यहां पे कोई खड़े होकर इसको देख रहा है तो क्या होगा, ये जो लाइट ये जो यहां पर है वो कहां पर नजर आएगा, यहां पर नजर आएगी, यहां पर। तो जो पेंसिल यहां पे थी वो एक्चुअल में अब यहां कहीं पर नजर आएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो पेंसिल ऊपर वाली तो यहां पर है, हमें लग रहा है भाई जाना तो ऐसे चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट है पेंसिल, तो ये यहां पे नजर ना आकर यहां पे नजर आती है, इसी वजह से हमें यहां पे ऐसा फील होता है कि ये जो पेंसिल है वो ब्रेक कर गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एनी प्रॉब्लम? तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि हमें पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मुझे लगता है मुझे दूसरे कलर से बनाना चाहिए तो ज्यादा बेटर नजर आएगा, दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। तो लाइट इधर से और इधर से ये यहां कहीं मीट कर जाएगी आके, तो जो पेंसिल है वो आपको कहां पे नजर आएगी, यहां कहीं पर। कितनी बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से ये बेंड होकर नजर आती है। तो जरा देखिए, ये कट तो नहीं रहा, जरा देखना। आई स्टिक पार्शियली इमर्ज इन वॉटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द वॉटर सरफेस, दिस हैपेंस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। क्या होगा जरा देखिए, लिखोगे कैसे एग्जाम में, वो सारी चीजें बताना जरूरी, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन हो गया है।
लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे वो जरा देख लीजिए एक बार। पहली चीज वो आपसे कह रहे लेट टू रेज ओसी एंड ओडी, तो भाई मान लीजिए ये ओ है, ये सी है और ये डी है, ये वाले पॉइंट्स, तो ओसी एंड ओडी टू रेज जा रही है, ठीक है। कमिंग फ्रॉम दी लोअर एंड ओ, लोअर एंड क्या है ओ है, ऑफ द स्टिक एट दी पॉइंट सी एंड डी, बताई दिया मैंने आपको, एंड गेट्स रिफ्रेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ सी एक्स एंड डी वाई, सी एक्स और डी वाई डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इसके बाद बट आईज ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट, जो लाइट है वो हमेशा क्या करती है एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। When CX and DX are produced in the backward direction, जब इनको backward direction में produce किया जाता है तो ये आकर meet करती है किस पर, L पर, किस point पे meet करती है L या फिर I, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। Does our eyes see the end of the stick at point I? और यही वजह है जिसकी वजह से हमें इसका जो point है वो I पे नजर आता है, समझ में आ रही बात यानी, एनी प्रॉब्लम? तो ड्यू टू दिस स्टिक अपीयर्स टू बी बेंट एट द वॉटर सरफेस, ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए अपना सेकेंड एग्जाम्पल, वो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वॉटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, मतलब मान लीजिए ये मैंने एक ग्लास ले लिया और इसके अंदर मैंने एक कॉइन रख दी, कॉइन को मैंने यहां पर रखा और इस पॉइंट से मैंने टू रेज ले ली, इस पॉइंट से मैंने टू रेज ले ली यहां से, तो मान लीजिए पहली यहां जा रही थी, पहली यहां जा रही थी और दूसरी यहां, अब बात आती सर यहीं क्यों, कहीं और ले लो, जहां मन करे वहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जैसे ही अवे फ्रॉम दिन, जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगी ये क्या कर जाएंगी, बेंड कर जाएंगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। थोड़ा सा और स्ट्रेट ले लेते लाइट को, तो ये क्या कर जाएंगी, बेंड कर जाएंगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अगर यहां कहीं कोई खड़ा होकर देख रहा है तो ये रेज जो है वो मूव करेंगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगी, दोनों रेज स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगी और जो कॉइन है वो आपको यहां की जगह पर यहां पर नजर आएगा, यहां कहीं पर नजर आएगी कॉइन, क्या बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में तो कॉइन यहां पर है बट आपको यहां कहीं पर नजर आएगी, ये भी किसकी वजह से हो पा रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। अब ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसको लिखोगे कैसे, लेट अ कॉइन प्लेस एट द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विद वॉटर, अब यहां से टू रेज निकल रही हैं, कौन कौन सी, लेट टू लाइट रेज ओ ए एंड ओ बी, ये ओ है, ये ओ ए और ये ओ बी, ठीक है, जाके मीट, फिर ये फॉरवर्ड मूव करती हैं यहां से ए एक्स और बी वाई की तरफ बेंड हो जाती है और फिर आगे जाके दोबारा से किस पे मीट करती हैं, आई पे मीट करेंगी, ठीक है। सो बट आर आईज ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट व्हेन ए एक्स एंड बी वाई आर प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन जब लेकर आएंगे तो देख मीट एट पॉइंट आई। हाँ जी, नहीं पैरल नहीं, हाँ ये पैरल नहीं है रेज, ये तो मैंने अपने हाथ से बनाया बट ये रेज, हाँ थोड़ी सी ऐसे बैंडेड रहेंगी, ठीक है, ऐसे आप समझ लो अगर आपको पैरल लग रही है तो आप ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देख लो फिर आप, अभी थोड़ा सा लग रहा है बेंडेड, और थोड़ा सा बेंड कर देता हूं, ये लो अभी, ठीक है, तो इस तरीके से बेटा है, तो पॉइंट आई पे मीट करेंगे, ड्यू टू दिस कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, और इसकी वजह से कॉइन जो है ऊपर नजर आती है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, हमारी डेली लाइफ में इफेक्ट्स हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। एक और देखते हैं, मान लीजिए ये है आपका स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल एक्चुअल में अंदर से बनाया जाता है ऐसे, अंदर थोड़ा ऐसे बनाया जाता है,
उसकी वजह क्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो यहां कहीं पे अपने स्विमिंग कर सकते हैं या फिर खेल सकते हैं, और जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे गहरा होता चला जाता है, ठीक है। अब ऐसा बनाने लगे हैं, बट कई जगह पर क्या होता है, ये प्लेन होता है, गहराई क्या रहती है, सेम रहती है। तो वहां पर क्या होगा, ये है इसका बॉटम, ठीक है। बॉटम से मान लीजिए मैंने टू रेज ले ली, कौन कौन सी, पहली रे ये ले ली और दूसरी रे ये ले ली। अब आपको पता है ये क्या है, डेंसर मीडियम, बाहर क्या है, रेयरर मीडियम। जैसे ही रेयरर मीडियम में जाएगा लाइट जो है वो भागेंगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो मान लीजिए अगर यहां कहीं पर कोई है और इसको देख रहा है, मान लीजिए बड़ी आंख बना देता है ऐसे, ये इतनी बड़ी होती नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर यहां से खड़े होकर कोई ऊपर से देख रहा है, तो लाइट तो हमेशा क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। समझ में आ रही बात है ना। तो यहां कहीं पर, तो जो बॉटम यहां है वो एक्चुअल में आपको यहां कहीं पर अपियर होगा, तो आप देखोगे अरे ये तो गहरा है ही नहीं, और आप जंप कर जाओगे, और जंप कर गए तो आप यहां आ जाओगे। समझ में आ रही बात है नहीं। तो कभी भी किसी भी रिवर पूल या फिर सी वगैरह में डायरेक्टली जंप नहीं करना है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा वो गहरा है। समझ गए, एक मैन वर्सेस वाइल्ड आता है अगर कभी किसी ने देखा हो तो वो, हाँ, तो वो हमेशा क्या करेगा, उसकी डेप्थ को मेजर करता है, जबकि वो इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे पता है जितना वो सोच रहा उतना नहीं है, उससे ज्यादा वो गहरा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो मान लीजिए ये ओ है, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, ये वाई है, और ये वाला पॉइंट आई है, ठीक है। तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डबल नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा, वो तो मैंने बनाया तो ऐसा बन गया। सपोज एनी पॉइंट ओ एट द बॉटम ऑफ द पूल, ये रहा, ठीक है। लेट टू लाइट रेज ए ओ एंड ओ बी आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, तो ओ ए एंड ओ बी दो रेज जा रही हैं, एंड पासेस फ्रॉम वाटर इनटू एयर एट पॉइंट ए एंड बी एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड ओ वाई। तो यहां पर आकर वो क्या कर जाते हैं, रिफ्रैक्ट कर जाते हैं अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। तो ये क्या हो गया एक्स, और ये क्या हो गया आपका बी वाई, बट आर आईज ऑलवेज फॉलो दी स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमारी लाइट, हमारी आईज जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगी, और जब फॉलो करेंगी तो जो रेज हैं वो यहां पर मीट करती हुई अपियर होंगी, और जहां पर अपियर होंगी वहीं पर बॉटम भी अपियर होगा। क्या बात समझ में आ रही है। वेन लाइट रेज ए एक्स एंड बी वाई प्रोड्यूस इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, इनको जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर आओगे तो वो कहां पर मीट करेंगे, पॉइंट आई पर मीट कर जाएंगे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू दिस पूल ऑफ वॉटर अपियर्स टू बी लेस डीप देन एक्चुअली इज, ठीक है। तो ये सारे के सारे केसेस हैं या हमारी डेली लाइफ में इफेक्ट्स हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, और आई होप कि अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है सारी बातें, एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट।